ये नाम जप की ऐसी महिमा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। अब ये नाम जप की ऐसी महिमा है जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही प्राचीनतम काल से। अब देखिए इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण और हुआ है जो बहुत ही गजब हुआ है, उसको थोड़ा मैं विस्तृत रूप से समझाना चाहूंगा, आप जरूर सुने। देखिए आज के 500-600 साल पूर्व जो भारतवर्ष में जो भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित थी वे ब्रज भाषा प्रचलित थी, ब्रज और प्राकृतिक भाषा। और इन्हीं भाषाओं में आपने देखे होंगे काफी प्रकार के दोहे हैं, काफी प्रकार के दोहे हुए हैं जो आप सुनते हैं प्राकृतिक भाषा में, ब्रज भाषा में। ये बहुत प्रचलित है। अब उस समय में सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे, वे थे सूरदास जी। अब देखिए सूरदास जी के साथ एक बहुत ही विचित्र घटना होती है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी सी छोटी सी है, मैं आप जरूर सुने इस चीज को। देखिए एक समय क्या हुआ था कि भक्त सूरदास जी जा रहे थे, उनको निमंत्रण आया था दूसरे गांव से कि आपको आज हमारे घर में जागरण करना है, तो आपको जरूर पधारना है, तो जागरण जरूर करना विशेष तौर पे। ये बात किए हुए को एक दो दिन हो गए थे। सूरदास जी ने देखा कि आगे से कोई मुझे लेना आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने भी कष्ट नहीं दिया कि किसी के कहलवा के उनको कहे कि मुझको लेना है, तो वे स्वयं ही लाठी लेकर अपने तंबूरा ढोलक जो भी है लेके और चल दिए, और चलते गोविंद गोविंद करते हुए चल के मार्ग में चलते जा रहे हैं। लाठी की टकराहट से मार्ग को पहचान पहचान के वे जा रहे हैं। अब देखिए इस मार्ग पे कुआ आता है, यानी एक कुआ आता है। अब वे क्या करते हैं, उस गड्ढे में गिर जाते हैं उस रात्रि के समय में। अब रात्रि का समय है, इतनी घोर रात्रि में आसपास में वन में कोई है भी नहीं उनको बचाने के लिए, तो वे समझ गए कि अब तो बड़ी संकट में फंस गए। लेकिन वे उन्होंने क्या किया, अब देखिए अवस्था कैसी है उनकी, वहां पर गाँव लगा हुआ, हाथ छिला हुआ, घुटने छिले हुए, और ऐसी स्थिति में कौन आ रहा है। ऐसी भी स्थिति में वे श्री कृष्ण का भजन कीर्तन कर रहे हैं उसी गड्ढे में बैठे हुए। अब वो देखेंगे अब बचाने वाले श्री हरि हैं, अब आएंगे तो वो आ जाएंगे और बचा लेंगे। तो कुछ समय बीता और ये सब प्रक्रिया परमात्मा द्वारा देखी जा रही है, सब प्रक्रिया कि ये भक्त अब ये हटी है इस मामले में कि अब वे बचाएगा, यानी मेरा ये मुझ पर ही आधारित है, मुझको जाना ही पड़ेगा। श्री हरि बाल रूप में आए, वहां पर बाल रूप में आए, ऊपर से आवाज लगाई गड्ढे के ऊपर से कि बाबा अरे यहाँ क्या कर रहे हो। कि एकदम आवाज सुनी, सचेत हो गए सूरदास जी की आवाज किसकी है। उन्होंने आवाज मात्र से ही पहचान लिया कि है श्री कृष्ण ही है। अब वे आवाज वहां पर सुनते हैं और तुरंत बोलते हैं अरे भाई कौन है। कि अरे बाबा मैं यहाँ अपनी गाय ले जा रहा था चराते हुए, आपको गड्ढे में दिखा देखा हो पाया, आप सत्संग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आइए ऊपर आइए। कि अब मैं कैसा हूँ भैया, नेत्र से दिखाई नहीं देता है, अब कुछ आप ही मदद कीजिए। तो इस प्रकार वे बाल रूप एक कपड़ा फेंकते हैं उनकी तरफ कि ये पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो अब देखिए उस कपड़े को फेंकते ही सुगंध की मात्र से, उसकी सुगंध मात्र से सूरदास जी और दृढ़ निश्चय हो जाती, ये 101% मेरे श्री कृष्ण ही है। अब वे जैसे तैसे करके गड्ढे से बाहर आते हैं और एकदम गिरते हैं वहां पर, पास में ही राधा रानी होती है, उनके चरणों में गिर जाते हैं, और चरणों में गिर जाते हैं और उनके हाथों में एक पायजब आती है, उनकी पायजब चुरा लेते हैं, हाथ में लेकर खुद के हाथों में रख लेते हैं। अब देखते हैं कि मंदिर में प्रस्थान करने का वापस समय हो गया, चलो जल्दी चलते हैं कि हाँ बाबा आप सीधा सीधा जाना। अब देखिए क्या हुआ, जब राधा रानी यहाँ पर चलती है वापस जाते हैं, तब एक आवाज एक पैरों से छमकी आवाज आती है, ठीक पैरों से आवाज कुछ नहीं आती। जब समझती कि कुछ पायल कहीं घूम गई है, जब इधर उधर देखा, जब सूरदास जी के हाथों में देखा कि देखिए गोविंद वो वहां पर उनके हाथों में है, वे आपको लानी पड़ेगी, अरे मैं तुमको दूसरी दे दूंगा, नहीं नहीं वो ही चाहिए। देखिए अब यहाँ पर राधा रानी का सबसे बड़ा गंतव्य था कि एक भक्त भगवान से मिल जाए किसी भी प्रकार से। तब वे जाके उनको कहते हैं कि हाँ ये आपको लानी ही पड़ेगी विशेष रूप से। अब जैसे जैसे जाते हैं, अब वो जैसे भी वार्तालाप करके उनको बना के कि हाँ ये ले लो। अब जैसे उनका हाथ पकड़ लेते उनको पता चल जाता है, प्रभु कहाँ चले गए थे आप, हाँ अब मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो। एक बहुत ही अच्छा दोहा भी प्रचलित था
जब वे हाथ छुड़ा के जा रहे थे कि हाथ छुड़ाए जा तो निर्बल जाने के मोह, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। अर्थात हाथ छुड़ा रहे हो निर्बल जान के मुझको, अगर हृदय से जाओगे तभी सबल मानूंगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय से निकल जाऊंगा तो फिर जाऊंगा कहां पर। तो ऐसी पीड़ा मानकर वे तीनों राधा रानी, श्री कृष्ण और सूरदास जी गले मिलकर रो। और जब श्री कृष्ण ने उनके दोनों नेत्रों पर हाथ फेरा तब बोले कि बाबा आंखें खोलो अब, कि मैं तो नेत्रों से अंधा हूं, मैं कैसे देख पाऊंगा, कि आप आंखें तो खोली से। अब उसी क्षण के एक मिनट दो मिनट उन्होंने भरपूर श्री कृष्ण और राधा रानी के खुले हृदय से दर्शन किए थे केवल उसी सर। फिर उन्होंने वापिस कहा कि अब ये प्रभु मेरे नेत्रों का आप काम हो चुका है, अब मुझे मेरी पुण्य स्थिति में रहने दीजिए, क्योंकि इन नेत्रों से मैं तो आपके ही दर्शन करना चाहता हूँ और कुछ मात्र नहीं देखना चाहता हूँ इस संसार में। तो ये होती है भक्ति की सबसे बड़ी महिमा, जिसको बता पाना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है और थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत कम हुए हैं साधक, बहुत कम हुए संत ऐसे जो कि भगवान को प्राप्त हुए हैं। अर्थात पात वर्ष में तो ऐसा कई आपको देखने के मिलेंगे, बाकी और थोड़ा बाहर जाएंगे दूसरे देशों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नाम जप की इतनी दृढ़ महिमा है इस भारतवर्ष से ही नहीं, इस पूरे संसार में अगर आप कहीं भी बैठे हो, दृढ़ विश्वास के साथ अगर आप प्रभु का नाम जप करें निरंतरता से, एक भाव एक अटूट विश्वास के साथ, तो वे साक्षात्कार कर सकते हैं, साक्षात्कार करते हैं। देखिए दोष कहाँ पर होता है, कि देखिए कि वे मिलते क्यों नहीं है, काफी संशय होता है भक्तों के। देखिए जो ये मार्ग है ना, जैसे आपको आप नीचे हो वो सीढ़ियों के ऊपर है, ये मार्ग ही सबसे बड़ा उत्तम बताया गया। जब तक आप में एक ललक रहेगी कि हाँ उसको पाना है, तो क्या होता है कि भगवान भक्त का भगवान पर विश्वास बना रहता है, दृढ़ विश्वास कि नहीं वे कहीं ना कहीं मुझे बचाएगा। ये अगर जैसे ही वे समीप आएगा प्रकट होगा तो दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर जैसे कि आपने देखा होगा ना कि एक व्यक्ति के अगर दूर से देखो तो सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पास में वे अगर तीन चार दिन पाँच दिन आ जाता है तो आप उसमें दोष निकालने लग जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु है कि आपसे दूर रहते आपकी कई प्रकार से सेवा करते हैं, कई प्रकार से आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। देखिए इसलिए ये जो नाम जप का है सबसे बड़ा अटूट रिश्ता बताया गया, प्रभु के सान्निध्य से, प्रभु के विश्वास से, प्रभु की अटूट संकल्प विश्वास करके आप इस नाम का स्मरण करेंगे तो निसंदेह आपको एक ना एक दिन एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन आपको साक्षात्कार भी हो सकता है इस मार्ग में। लेकिन प्रभु पर दृढ़ विश्वास और निरंतरता से उस प्रभु का जाप होना जरूरी है। चाहे आप ध्यान करो, आप मंत्र साधना मंत्र जाप करो, किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करो, मगर एक भाव जो कि प्रेम का भाव है सबसे उत्तम बताया गया है भक्ति साधना में, प्रेम का भाव। अगर दृढ़ भाव से उसका निरंतरता से जाप किया जाए तो अवश्य रूप से उसका साक्षात्कार हो सकता है, निरंतरता से केवल और केवल। और इस मार्ग में धीरे 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 जब साधक परिपक्व होता है तो कई चीजों का आप में विकास होने लगेगा। अर्थात विकास किस प्रकार का, कि जब साधक मार्ग पर चलने लगता है तो कई प्रकार के विकार विकृतियां भीतर जमा रहती है, अर्थात मन मेला होता है, अविश्वास होता है कहीं ना कहीं, और उस अविश्वास को विश्वास में, फिर विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदलने में काफी लंबा समय लगता है। इस दौरान क्या होता है कि इस मार्ग पर चलते चलते भक्त के भीतर कई प्रकार के दोष है होते हैं जो बाहर निकलते जाते हैं। अहंकार बाहर निकला, क्रोध बाहर जाता है, और भी कई प्रकार के दोष हैं। आपको धीरे धीरे ये परिपक्व करेगा नाम, इसलिए इस मार्ग पे कई प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन वे अपने निश्चित इस लक्ष्य पर जरूर पहुंचा देगा आपको। इसलिए इस पर कितना बल दिया गया है, वर्तमान समय कलयुग का है, इस पर आप जितना समय निकालेंगे उतना आपके लिए शुभ बताया गया है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप
एक गाइड ले ले, यानी एक प्रकार से इसको कहे कि एक गुरु बना ले, कहीं ना कहीं गुरु का चयन कर ले, एक प्रमाणित गुरु का चयन करे और वे आपको सही मार्ग बता देगा। उसकी कृपा गुरु की, क्योंकि गुरु को भगवान स्वरूप बताया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मे श्री गुरुवे में गुरुवे नम, अर्थात गुरु को परम ब्रह्म का एक पद दिया हुआ है, वे आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। अर्थात आपको एक गुरु का कहीं ना कहीं सान्निध्य ले लें ताकि इस मार्ग पर चलना थोड़ा आसान हो जाए। अर्थात आपके मन में इस मार्ग में जब चलेंगे तो काफी प्रकार के गंतव्य उत्पन्न होंगे, प्रश्न उत्पन्न होंगे, उस प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके सामने एक गुरु रहेगा तब बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वे आपके हर प्रकार के विकार को, दोष को मिटाने का कार्य करेगा। नाम जप की सबसे प्रबल प्रकृति है कि उसको प्रेम भाव से जपा जाए, निरंतरता से जपा जाए, अभ्यास पर अभ्यास किया जाए, परिपक्व हो जाएंगे एक दिन, और निरंतरता से किया हुआ जाप आपको जरूर ना जरूर आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक फल यानी परिणाम देने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।